नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। यमुनानगर में प्राइवेट स्कूलों की ओर से मांगी जा रही एनुअल फीस को लेकर आज फिर अभिभावक जगाधरी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में इकट्ठे हुए और यहां से पैदल मार्च करते हुए शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। महामारी कोरोना के चलते शिक्षा का सेशन 2020-21 काफी प्रभावित रहा है। इस दौरान बच्चों को स्कूल में ना बुलाकर उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया गया है। वहीं इस दौरान हाईकोर्ट से राहत मिली थी कि स्कूल अभिभावकों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद प्राइवेट स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां से उन्हें कुछ चार्जेस लेने की परमिशन मिल गई थी और अब स्कूल एनुअल फीस की मांग कर रहे हैं। इसके विरोध में रोजाना प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज यमुनानगर में विभिन्न स्कूलों के अभिभावक जगाधरी में इकट्ठा हुए और पैदल मार्च करते हुए शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे। उन्होंने मांग उठाई कि एनुअल फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नए सेशन के दौरान जो फीस बढ़ोतरी की गई है वो नियमों के मुताबिक नहीं है, जिसके चलते वे शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे हैं क्योंकि ये स्कूल कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने मांग उठाई है कि इसके लिए जांच कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज जो अभिभावकों ने मांग की है उसकी जांच करवाई जाएगी। पर यदि कोई स्कूल कानूनों की अवहेलना कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं सरकार के आदेशों के खिलाफ जाकर स्कूल खोलने के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये देखना होगा कि आज अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री से जो मांग की है उस पर आखिर कब एक्शन होगा। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। रिजल्ट रोक लीजिए, रिजल्ट देने से मना कर दिया और फोन करके मैसेज कर रहा है जी फिजिकल क्लासेस लग गई हैं। फिजिकल क्लासेस तो शुरू भी नहीं हुई, सरकार ने बंद कर दिए स्कूल सारे और ब्लैकमेल कर रहा है जी वहाँ। और इस खास करके सुप्रीम स्कूल वाला ये प्रधान बना हुआ एसोसिएशन का और इसने क्या करता है, सबको इकट्ठे करता है और वहाँ जाके ये कहता है जी सारे लो। कुछ स्कूल ने छोड़ भी दिया, उन पर दबाव बना के तुम भी लो हम भी लेंगे। तो इसने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। इसके स्कूल के अंदर 3000 बच्चे हैं, 5000 मेरा बेटा ही पढ़ता है उस स्कूल में, तभी मैं यहाँ आया हूँ। मेरा रिजल्ट रोक लिया, मैंने अपने बेटे को भेजा, कहने लगा जी पहले 5000 पिछले साल के दे लॉकडाउन के। मैंने कहा रसीद बना रखी है आपने, वो ऑनलाइन बताओ, नंबर नहीं देता, एक दो नंबर में लेता है। फिर इसीलिए मैं मजबूरी में, ये सब के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं मजबूरी में, रिजल्ट रोके हुए उसने पिछले साल के, इनका इलाज कर दो जी। ऐसा करो, आप एक मिनट, आपकी बात मैंने सुन ली सारी सारी, आप में से ना जी दो आदमी हैं, आप सब छुट्टी कर लो, दो आदमी बैठो, मैं अभी बातचीत करके सारी सारी ना, अभी चार हो जाए जी, चार हो जाए, चार पाँच अभी आप बैठ करके चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, आप चार आदमी आ जाओ। ठीक है जी, बैठ दो थोड़ा ना, मैं अभी आपके सामने भी बात कर। ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए प्राइवेट स्कूल वालों ने जनता को परेशान किया हुआ है, अभिभावकों को परेशान किया हुआ है, मन मर्जी की वसूली कर रहे हैं। और जो लॉकडाउन का पीरियड था जिसमें केवल मात्र ट्यूशन फीस ले सकते, जो सबने जमा भी करा दी थी, उसके बाद नए सेशन आया तो पिछले साल का जो एनुअल चार्ज लेने की मांग करने लगे और ले भी लिए काफी पेरेंट्स से। तो हमारी मांग यही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो नया सेशन आया जिसमें बढ़ोतरी भी इन्होंने 50-60% की कर दी है, उसमें भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इन दोनों बातों के लिए हम आज लेकर शिक्षा मंत्री से हमने ज्ञापन दिया कि जिन स्कूलों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, सरकार के या उस आदेश कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक जांच कमेटी बनाई जाए। तो मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि एक जांच कमेटी बना दी है, बना देंगे, कंप्लेंट दोबारा देने बाई नेम किस किस स्कूल की, क्या क्या उन्होंने फॉर्मेलिटीज या कहीं क्या क्या उन्होंने गलत काम किए हैं, सबूत के तौर पर हमें जो रसीद दे दी गई है साथ लगा के देंगे। और इनको ये भी कहा है कि जल्दी से जल्दी मैं जांच करा के इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये हमें आश्वासन दिया। तो सर क्या लग रहा है बातचीत से कि आपकी समस्याओं का समाधान? देखिए जब तक समस्या हमारे सामने नहीं हल होकर नहीं आ जाती तब तक तो हम मानेंगे समस्या ही समस्या है। तो आज लेकिन जो उन्होंने कहा है कि हमने शिकायत बाई नेम किस मैनेजमेंट ने क्या समस्या क्या हमारे लिए परेशानी पैदा की है, क्या उन्होंने गलत काम किया है, कहां उन्होंने अवमानना की है, हम सारी रसीदें लगा के उनको दे देंगे, पिछले साल क्या थी और नए साल में क्या थी, ये सारी हम रिटर्न में बना के दोबारा दे देते हैं। और वो एक कमेटी गठित करेंगे, उस कमेटी की रिपोर्ट 2 या 3 दिन में आएगी, तब तक जब तक वो रिपोर्ट नहीं आती हमने किसी की कोई फीस नहीं देनी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि स्कूल बंद हो चुके हैं, किसी को कोई किसी किस्म की फीस जमा नहीं करानी जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। कमेटी में कौन कौन होगा? कमेटी में सरकार करेगी, अपॉइंट करेगी, डीओ होगा, हमें क्या लेना, वो उसके एक्सपर्ट होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स से, हाँ पेरेंट्स अगर जाएंगे हम तो तैयार है, अगर हमारी बात सुनेंगी कमेटी हमें बुलाएगी, सारे स्कूलों के पेरेंट्स जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जैसे स्कूल बंद हो चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से किसी किस्म की कोई भी फीस जमा न कराए और ये कमेटी की रिपोर्ट की इंतजार करें। और जो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो हमें लगता है हमारी बात को सुना गया, लेकिन यदि फिर बात वही की वही है हम फिर धरने में बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय के मुताबिक वो ये दावा कर रहे हैं कि हम फीस ले सकते हैं, एनुअल चार्ज ले सकते हैं,
अभी मुझे अभिभावक मिले थे, उसकी जांच करा रहे कि उसकी कोर्ट का जो निर्णय है उसका अर्थ क्या है, वो ले सकते हैं नहीं ले सकते, उस पर निश्चित तौर से उस पर एक्शन लेंगे जो भी है, और कितनी फीस बढ़ा सकते हैं उसका मैंने पूछा। कुछ इनमें से कुछ लोगों का मानना था कि 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं, अगर 10% ही बढ़ा सकते हैं तो फिर 10% बढ़ाएंगे। जो नियम है उसके बाहर हम किसी को काम नहीं करने देंगे, अगर नियमों के बारे में बात आ रही तो उस पर देखेंगे, और उस नियमों के बावजूद भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि अभिभावक को रिलीफ देना हमारा उद्देश्य है। हाँ, स्कूलों की भी समस्या है, उसके साथ ही हमारी सहानुभूति है, लेकिन अभिभावक को रिलीफ मिले इसमें ये हमारा प्रयास है। जैसे कि आपने सरकार ने आदेश दिया था कि नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद रखे जाएंगे, तो कुछ प्राइवेट स्कूलों का कहना है वे इसके बावजूद भी स्कूल खोलेंगे, तो इस पर सरकार का एक्शन लेगी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सबके सबको बंद करना पड़ेगा, सारे को स्कूल सब बंद होंगे। कई बार भावनाओं में कुछ लोगों ने कहा होगा, जो कानून है कानून तो सबके लिए जरूरी है, मानना उसमें कोई किसी के लिए ऐसी ऑप्शन नहीं है कि कोई उसको मानेगा नहीं मानेगा, उसकी मर्जी है, ऐसा नहीं है। सरकार ने आदेश दे दिया तो सारे स्कूल। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हम तो स्कूल खोलेंगे, सरकार चाहे जो मर्जी आदेश दे। कोई नहीं खोल सकता, सारे सारे बंद हो गए, अगर कोई इस प्रकार का करेगा तो कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई तो उसके हम उसकी मान्यता रद्द करते हैं, जो भी कर सकता है कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो तो बिल्कुल मतलब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार होगा, जिस प्रकार से आज स्कूल कोई ऐसा नहीं कि कोई शौक में बंद किए, सबसे पहले स्कूल हम नहीं खोल लेते और सबसे बाद में भी हम नहीं बंद करेंगे, तो इसलिए मजबूरी है क्योंकि कोरोना की वजह से सब लोगों के लिए खतरा है, तो अगर स्वास्थ्य के लिए खतरा है बच्चों के तो वो एक गंभीर विषय है। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की कोई बात होगी, कहीं कुछ किसी ने कहा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर से सारे स्कूल बंद होंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ।